आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ मंत्रा में, जहां हम सेहत से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी आपको देते हैं। और आज हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर समीर, जो कि BHMS में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और आज हम इनसे जानेंगे किडनी और यूरिक एसिड के बारे में। डॉक्टर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बता दीजिए। हाँ जी, नमस्कार सभी दर्शकों को, प्राइम टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं इंदिरा नगर में पिछले 22 वर्षों से होम्योपैथिक प्रैक्टिस करता हूँ। मैं और मेरी वाइफ डॉक्टर नीरज सिंह, दोनों लोग मुंशी पुलिया पे नैना होम्योकेयर के नाम से हमारी होम्योपैथिक क्लिनिक है। डॉक्टर, जैसे कि हमने पहले ही बताया कि आज हम चर्चा करेंगे किडनी और यूरिक एसिड के बारे में, तो सबसे पहले ये बताइए कि यूरिक एसिड क्या होता है। यूरिक एसिड, देखिए, यूरिक एसिड आजकल लाइफ स्टाइल डिजीज है। एक तरह से देखा जाए, पहले के समय में यूरिक एसिड किडनी स्टोन कॉमन नहीं होता था। अब यूरिक एसिड तो नॉर्मली ब्लड में होता ही है, लेकिन ये कभी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। कम हो जाता है तो उससे कोई हेल्थ के लिए कोई नुकसानदायक नहीं, लेकिन अब जब यूरिक एसिड बढ़ जाता है उसके बहुत से नुकसान होते हैं। यूरिक एसिड जब बढ़ जाता है तो ये हमारी किडनी को डैमेज करता है, हमारे तमाम हेल्थ से रिलेटेड तमाम सिस्टम। डॉक्टर, ये बताइए कि यूरिक एसिड के बढ़ने से शरीर में क्या क्या होता है? जब हमारा शरीर एसिडिक हो जाता है, जब हम बाहर की फास्ट फूड, जंक फूड या हाई प्यूरिन डाइट, जब प्यूरिन कन्वर्ट होता है मोस्टली यूरिक एसिड में, जब हम हाई प्यूरिन डाइट खाते हैं, जैसे अल्कोहल जो लोग लेते हैं, जो लोग आप डाइट में फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, पानी कम पीते हैं, उन लोगों को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम होती है। डॉक्टर, ये बताइए कि होम्योपैथिक में यूरिक एसिड की दवा कौन कौन सी होती है? होम्योपैथी में वैसे तो लक्षणों के आधार पर दवाई दी जाती है, लेकिन यूरिक एसिड बेसिकली होता क्या है, यूरिक एसिड जब बढ़ता है तो उसको जो मरीज को अटैक आते हैं यूरिक एसिड के, जैसे ज्यादातर ये प्रॉब्लम जाड़ों में या जब मौसम थोड़ा ह्यूमिडिटी ज्यादा होते हैं तब अटैक होता है, और उसके जो जॉइंट्स होते हैं उसमें स्वेलिंग हो जाती है, उससे पता चल जाता है। उसकी एड़ियां सवेरे सो के उठता है तो उसकी एड़ियों में रेडनेस होती है, स्वेलिंग होती है, वो पैर जमीन पर नहीं रख पाता है, पैर जमीन पर रखता है पेन बहुत ज्यादा होता है, और जोड़ों में सब दर्द होता है, तो उसको पता चलता है यूरिक एसिड बढ़ गया। यूरिक एसिड जब बढ़ जाता है तो उसकी होम्योपैथी में लक्षणों के आधार पर दवाइयां हैं जो कि उसके यूरिक एसिड की अधिक मात्रा को जब ब्लड से वो निकालती हैं, और फिर यूरिक एसिड उसका ठीक हो जाता है तो उसको सिम्टम में आराम मिल जाता है। डॉक्टर, अब ये बताइए कि किडनी स्टोन के क्या लक्षण होते हैं? किडनी स्टोन और यूरिक एसिड एक तरह से दोनों को साथ में समझते हैं। किडनी स्टोन को नेफ्रोलिथियासिस बोलते हैं, यानी कि जब भी हमारे जो किडनी है वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करती है तो किडनी स्टोन होता कैसे है। यूरिक एसिड, किडनी स्टोन तीन तरह का होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट होता है, यूरिक एसिड होता है, और सिस्टीन स्टोन होता है। तो इसमें जब भी कैल्शियम मेटाबॉलिज्म हमारी गड़बड़ हो जाती है या यूरिक एसिड सिंथेसिस गड़बड़ हो जाती है, तब ये हमारा जो लेवल होता है यूरिक एसिड का ब्लड में बढ़ जाता है, और जब ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ता है तो वो यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जाके हमारे जॉइंट्स में डिपॉजिट होते हैं। जब जॉइंट्स में डिपॉजिट हो जाते हैं तो जॉइंट्स स्वेलिंग कर जाते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इन्फ्लेमेशन मतलब वहां पे पेन होगा, सोरनेस होगा, रेडनेस होगा, और फीवर तक हो जाता है। और यही यूरिक एसिड जब ब्लड में ज्यादा हो जाता है तो वो जाता है किडनी में फिल्टर होने के लिए, और वहां पे धीरे 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 इकट्ठा होने लगता है। वहां पे जब स्टोन के रूप में इकट्ठा हो जाता है तो दो तरह का होता है, कभी कभी ये हॉर्नी या नुकीला होता है और कभी गोल होता है। जब गोल होता है तो पास हो जाता है, लेकिन जब ये स्टोन नुकीला होता है तो वहां से जब ट्रेवल करता है किडनी से यूरेटर में या ब्लैडर में आता है तो ये घाव करता हुआ आता है कभी कभी, तो उससे जो मरीज होता है उसको कभी यूरिन में ब्लड आ जाता है या उसको बहुत ज्यादा पेन होता है, तो ये सिम्टम होते हैं किडनी स्टोन के। डॉक्टर, ये भी बता दीजिए कि क्या होम्योपैथिक में किडनी स्टोन का इलाज संभव है? जी बिल्कुल संभव है, लक्षणों के आधार पर दिया जाता है। यहाँ तक कि आजकल जो मॉडर्न मेडिसिन के पेशेंट हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके पास मरीज जाता है तो वो कहते हैं यार तुम देखो अभी हम सर्जरी कर भी देंगे। मॉडर्न मेडिसिन में क्या है, लिथोट्रिप्सी करते हैं, उसको स्टोन को तोड़ दिया जाता है, स्टोन
धीरे धीरे पास आउट हो जाता है, ठीक हो जाता है। लेकिन अगर उसका सिंथेसिस, उसकी मेटाबॉलिज्म गड़बड़, तो दोबारा स्टोन बन जाता है। तो कितनी बार स्टोन ऑपरेशन कराएगा मरीज? इसलिए जब होम्योपैथ के पास आता है तो होम्योपैथिक दवाइयां धीरे धीरे स्टोन को बढ़ाती हैं और कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, यूरिक एसिड सिंथेसिस को रेगुलराइज करती है। तो होम्योपैथी से जब ठीक होता है तो उसको दोबारा होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, और हमेशा के लिए। उसमें बहुत अच्छी दवाइयां हैं, बर्बरिस वल्गरिस एक दवा है, लाइकोपोडियम। अगर पेशेंट के यूरिन में थोड़ा सा ब्लड आ रहा हो तो लाइकोपोडियम दवा, हाइड्रेंजिया मदर टिंचर एक दवा यूज करते हैं, अगर का प्रोस्टेट भी बढ़ा हुआ है साथ में। सरसा परीला एक मेडिसिन है, अगर पेशेंट को टर्बिड यूरिन है तो या थोड़ा पेनफुल यूरिन है तो सरसा पीला, और बहुत सीवियर पेन है तो उसके लिए परेरा ब्रावा एक बहुत अच्छी मेडिसिन दर्शकों को बताना चाहेंगे। हमेशा किडनी स्टोन के पेशेंट को अपने घर पे रखना चाहिए, गर्म पानी में अगर उसको 25 बूंद डाल के हर 2 घंटे पिलाया जाए तो किडनी स्टोन का पेन सबसाइड हो जाता है। और पोटेंसी में अगर देखा जाए तो बेलाडोना 200 एक मेडिसिन है, उसको दिया जाता है एक्यूट पेन के लिए। डॉक्टर अब ये बता दीजिए कि अगर मरीज को यूरिक एसिड की समस्या है तो वो कौन कौन सी चीजों को खाए, कौन कौन सी चीजों की परहेज करे? जी, इसको सामान्य भाषा में समझेंगे, जमीन के नीचे की कुछ चीजें, आलू को छोड़ के, जैसे शकरकंदी है, घुइया है, या इसको सूरन बोलते हैं दिवाली में सब्जियां जो बनाते हैं, इस तरह की चीजें, रेड मीट है, राजमा है, इसको खाने से क्या होता है, यूरिक एसिड लेवल बहुत बढ़ जाता है। तो जिन चीजों में प्यूरिन्स होते हैं उनको नहीं खाना चाहिए, यूरिक एसिड पेशेंट को। रेड मीट भी अवॉइड करना चाहिए, रेड मीट खाने से यूरिक एसिड का पेशेंट को, यूरिक एसिड का अटैक जल्दी पड़ता है और उसके जॉइंट्स में और स्वेलिंग बहुत ज्यादा, ज्यादातर ये ठंड में होता है। डॉक्टर अब ये बता दीजिए कि किडनी स्टोन की समस्या किन लोगों को ज्यादा होती है? किडनी स्टोन उन लोगों को ज्यादातर, देखिए वैसे तो ये पुरुषों में पाई जाती है लेकिन उन महिलाओं में ज्यादा होती है जो महिलाएं पानी कम पीती हैं, और उन पुरुषों में ज्यादा होती है जो अपनी लाइफ स्टाइल, जो पानी कम पीते, पीने के साथ साथ में एसिडिक चीजें, अल्कोहल। बहुत गलत धारणा है कि किडनी स्टोन या यूरिक एसिड बियर पीने से आराम मिलता है, नहीं, बियर या अल्कोहल हमारी बॉडी को और एसिडिक करता है, और एसिडिक चीजें अगर बढ़ेंगी तो हमारी बॉडी में किडनी स्टोन ठीक न होने के बजाय और बढ़ता रहेगा। तो हमको क्या करना है, अपनी बॉडी में अल्कलाइन चीजें, जैसे सिट्रस फूड है, संतरा है, सबसे अच्छा तो होता है अनार का जूस, अनार एंटीऑक्सीडेंट है, उसको लेने से किडनी स्टोन की प्रॉब्लम, और कुछ देसी चीजें भी है जैसे कुल्थी की दाल, जिसको आप पंसारी के यहाँ जाएंगे तो कुल्थी की दाल बोलेंगे तो वो मिल जाएगी, अगर उस दाल को खाया जाए तो किडनी स्टोन ठीक हो जाता है। यहाँ तक कि कहा जाता है एक प्लांट होता है पत्थर चट्टा, अजूबा जिसको बोलते हैं, उसकी पत्तियां खाने से भी ये नेचुरल कुछ दवाइयां हैं स्टोन में काम करती हैं। डॉक्टर अब हमें ये बता दीजिए कि किडनी स्टोन से बचने के लिए क्या करना चाहिए? किडनी स्टोन से बचने के लिए जहां अभी मैंने जैसे बात की, सबसे ज्यादा तो कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए, नारियल पानी भी पीना चाहिए, कुछ जूसेस है, मट्ठा भी ले सकते हैं। किडनी स्टोन अगर है तो आपको कैल्शियम वाली चीजें जैसे टमाटर का बीज भी अवॉइड करना है, उसके अलावा पालक में बहुत ज्यादा कैल्शियम होता है, लोग समझते हैं पालक में आयरन होता है, आयरन की जगह पालक में कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है, इसलिए किडनी स्टोन के पेशेंट को पालक नहीं खानी चाहिए, या पत्ते वाली जो सब्जियां होती है वो अवॉइड करना चाहिए, राजमा नहीं खाना चाहिए, रेड मीट नहीं लेना चाहिए, इन सब चीजों से बचना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा नींबू पानी है, सिट्रस फ्रूट है, फ्रूट्स जितने खाएंगे, एप्पल भी खा सकते हैं, तो उससे हमारी बॉडी अल्कलाइन रहेगी, अल्कलाइन में होने से बॉडी किडनी स्टोन निकलने में आसानी होती है। किडनी स्टोन के लिए एक कंप्लीट डाइट कैसी होनी चाहिए? कंप्लीट डाइट पहले तो सबसे बड़ी चीज है, जब भी सवेरे सो के उठें तो कम से कम 2 गिलास पानी पिए, और दिन भर में आप अपना मानक तय कर लें कि हमको बॉडी के लिए 3 से 4 लीटर, अगर स्टोन है तो उसको हाइड्रोथेरेपी बोला ही जाता है कि उसको कम से कम 4 लीटर पानी पीना है। जब पानी ज्यादा पिएंगे तो किडनी स्टोन फ्लश आउट होने के संभावना ज्यादा होती है। जब तक किडनी में पड़ा होता है पेन स्टोन तब तक तो पेन इतना नहीं होता, लेकिन जब वो मूव करता है, जब यूरेटर में आता है और जब वहां पे फंसता है तो हाइड्रोनेफ्रोसिस की प्रॉब्लम होती है, उसमें बैक फ्लो होने लगता है और किडनी में स्वेलिंग हो जाती है। तो ये इमरजेंसी कंडीशन होती है, इसमें फिर सर्जरी करनी पड़ती है, इसलिए ये कोशिश करनी चाहिए पानी खूब पिए, फ्रूट्स खाएं, अल्कलाइन चीजें खाएं, और सबसे जरूरी है घर का पानी। अगर आप
नॉर्मल टैप वाटर पीते हैं तो किडनी स्टोन होने के चांसेस बहुत, ये तराई बेल्ट जितनी भी है, जो लोग तराई बेल्ट में रहते हैं जैसे हिमालय के पास या नेपाल के पास जितना भी रीजन है, वहाँ स्टोन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग पानी बहुत हार्ड है, वहाँ पे मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उस पानी का, और हम लोग आर ओ भी लगाते हैं तो आर ओ में हमेशा ये देखिए कि कम से कम 100 TDS होना चाहिए, लोगों का 30-40 के आसपास TDS होता है, तो पानी का भी बहुत बड़ा रोल है किडनी स्टोन के लिए। डॉक्टर जाते जाते आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे, और ये भी आप एज अ डॉक्टर होने के नाते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सभी दर्शकों से कहूंगा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर किडनी स्टोन नहीं हुआ है तो आज ही से सचेत हो जाइए, क्योंकि ये लाइफस्टाइल डिजीज है। जंक फूड, बाहर का फूड, अल्कोहल या एसिडिक चीजें खाना अवॉइड कीजिए, घर का खाना खाइए, फ्रूट्स खूब खाइए, अपने डाइट में फ्रूट्स ऐड कीजिए और पानी ज्यादा से ज्यादा पीजिए। जब भी आप कहीं बाहर जाएं या कहीं तो अपने साथ पानी ले जाएं, बाहर का पानी ना पिएं, और शुद्ध पानी होना चाहिए और TDS उसका अच्छा होना चाहिए और हार्ड वाटर अवॉइड करना चाहिए। तो ये था हमारा डाइट और किडनी स्टोन के बारे में। डॉक्टर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी दर्शकों को नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।